आते हैं इस वीडियो के मेन पॉइंट पे, जो कि है हमारा ये प्यारा सा गोल्डन रिट्रीवर जैक। गाइस अभी जो है हमारा जैक आ चुका है वापस, पर अभी जैक से जैक वापस आ गया। ड्रिल बिट तीसरा नाम है, ड्रिल बिट। तो तीनों में से एक नाम हमने शॉर्टलिस्ट करना है। अब सबसे पहले जो है, हेलो, ओह माय गॉडनेस, व्हाट्स अप एवरीबॉडी, क्या हाल चाल। सो आज का जो व्लॉग है, अभी बेड से ही शुरू कर रहा हूँ। वैसे मोस्टली आपको मैं बेड पे कभी मतलब नहीं ऐसे दिखता आज, बट बहुत ज़्यादा लेजी दिन हो गया, वर्कआउट भी कर आ गया हूँ। और आजकल वर्कआउट थोड़ा मैं ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं कर पा रहा, मैं पता नहीं क्या, मैं बहुत ज़्यादा वेट गेन कर रहा हूँ। एंड आई शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन माई बॉडी, और पता नहीं कितने सालों से ट्रांसफॉर्मेशन सोच रहा हूँ। तो हमारे भैया आ गए हैं हमारा ब्रेकफास्ट लेके। लो जी भैया, थैंक यू भैया, कैसे हो भैया हमारे शर्मीले हैं। तो भैया ने ना कल मेरा फेसबुक पेज देखा। भैया मोस्टली फेसबुक ही यूज़ करते हैं, तो बाकी अगर आपको नहीं पता मेरा फेसबुक पेज भी है, और उस पर बहुत अलग अलग वीडियोज़ भी मैं डालता रहता हूँ, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल जो है मुझे नहीं पता मैं आज क्या करने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा मेरे लिए बोरिंग दिन है। मतलब मैं काम करता रहता हूँ तो ठीक रहता है, अगर मैं काम करना एक बार बीच में छोड़ देता हूँ ना, तो उसके बाद फिर से काम करना मुश्किल हो जाता है। और अगर ना ये बच्चे ना होते ना, तो बस पता नहीं मैं कितना ही बोर हो जाता। ये बच्चों की वजह से मेरा टाइम पास अच्छा खासा हो जाता है। तो अब तो ओरियो भी हमारे साथ है आजकल, है ना ओरियो, है ना ओरी, ओए ओए, सबको खाना है, सबको ये खाना है, सबको खाना है, पर हम खाएंगे। मिमी भी लाइक अबे साले अबे साले मिमी। ओके गाइस, अगेन आई एम गिविंग अ शाउट आउट टू माय न्यू सॉन्ग बैड बॉयज। अगर आपने अब तक वो नहीं देखा, आई बटन में आ रहा है, व्यूज़ बढ़ रहे हैं धड़ाधड़। अगर आपने अब तक वो इतना अमेजिंग हमारा बनाया हुआ गाना नहीं सुना, तो प्लीज़ उसको सुनो और कमेंट करना मत भूलना। तो अभी दिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज पूरा दिन कैसे जाने वाला है। तो भाई इस डॉग को मैंने थोड़ा सा पीस खाने के लिए दिया था, ये खा कम रहा है, खेल जा रहा है। ओ डॉगी, क्या कर रहे हो आप ये कैम ब्राउन होते ही पता नहीं इसको क्या हो जाता है, कैम ब्राउन होते गाइस ये बन जाती है शरारती। देखो ये देखो, कैमरा थोड़ा सा साइड किया। क्या आपका कुत्ता भी ऐसा करता है या सिर्फ हमारे वाले में ही ये डिफेक्ट है? तो देखो एक और शिकारी आया, ये अंगड़ाई ले रहा है ये ओरियो, ओरियो और मीमी की जोड़ी। तो गाइस आज बारी है तीन नाम शॉर्ट लिस्ट करने की हमारे नए बच्चे की। तो अभी मैं अभी पूरा दिन आप ब्लॉग देखेंगे, तो बीच के ब्लॉग के बीच में जो है मैंने तीन नाम शॉर्ट लिस्ट करे हैं। उन तीनों में से फिर आपको मुझे सजेशन देनी होगी, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ तीन नामों को लेके, उनमें से कौन सा एक नाम हमारे बच्चे का रखा जाए। अदरवाइज़ ये खुद को मीमी समझना शुरू कर चुका है। जैसे अभी मैं आपको दिखाऊंगा, हम बुलाते हैं मीमी मीमी तो ये आ जाता है उसको। तो हमारे घर में दो मीमी होने से बजाय एक मीमी रहे और एक का नाम कुछ और रख दो, ज़्यादा बेटर है। गाइस अभी जो है हमारा जैक आ चुका है वापस, पर अभी जैक से जैक वापस आ गया। अरे भाई ये डॉग सारे पागल क्यों हो गए हैं, एक मिनट मीमी को देखना, मीमी कितनी खुश है कि जैक वापस आ गया। मीमी ओए ओए, लड़ाई हो गई प्यार करते करते। ओरियो को तो पहली बार मिला है जैक, नहीं ओरियो से भी मिला हुआ है जैक, ओरियो ये जैक घर पे गया हुआ है एक बार हमारे साथ। वाह भाई ये केज ऐसे ही पड़ा अभी, इसमें मैं किसी को डाल नहीं रहा। अरे 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 मेरा बेबी आ गए, सारे मेरे बेबी एक साथ हो गए भाई, मेरे सारे बेबी एक साथ हो गए। गाइस मेरा घर पूरा डॉग्स के साथ भर चुका है। अरे बस जैक हाय हेलो भी करता है। जैक सिट। अरे अच्छा, हेलो जैक हेलो। अरे खुश हो गया जैक यार। अरे भाई अच्छा, मत लड़ो, पूरी गैंग इकट्ठी हो गई है। जैक बॉय, माय बॉय जैकी शोना बॉय मीमू। अरे मीमू वो आया, उससे लड़ेगी तू? हेलो जैक, हेलो कर, हेलो कर दो, हेलो हेलो हेलो
हेलो कर दे मेरा बेबी हेलो। सो गाइस अभी हम प्लान ही कर रहे थे इसके नाम को अनाउंस करने का, शॉर्टलिस्ट करने का, और जसकीरत भाई आ गए हैं। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन जसकीरत भाई को, उनकी ग्रूमिंग वैन स्टार्ट हो रही है इस वीक। और द ग्रूमिंग वैन का एक बार नाम हम डिस्क्लोज कर देते हैं अपनी, द ब्रूम ग्रूम, जो कि ट्राई सिटी में सबसे पहले रन कर रहे हैं। चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली, जीरकपुर, जितनी भी हमारी ऑडियंस है जिनके पास डॉग्स हैं वो सभी के सभी जो है जाकर इंस्टाग्राम अभी हम जल्दी लॉन्च कर रहे हैं, वहाँ पे उसको चेक कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें ग्रूम ग्रूम के अंदर आने वाली है। और अभी जो है सबसे पहले नाम शॉर्ट लिस्ट करने की बारी है। तो तीन नाम हमने शॉर्ट लिस्ट किए हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। तो तीनों नाम है, सबसे पहला नाम है ऊनो, जिसका मतलब होता है नंबर वन, और सेकंड नाम है मोगली। मोगलीज की हरकतों की वजह से हमारे कोई सजेस्ट कर रहा था, तो हमने कहा कि चलो मोगली भी हम शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं। तीसरा नाम है ड्रिल बिट। तो तीनों में से एक नाम हमने शॉर्टलिस्ट करना है। अब सबसे पहले जो है आपकी बारी है कि आप कमेंट करके तीनों में से एक नाम हमारे को, जो सबसे ज़्यादा नाम लोग सजेस्ट करेंगे तो हम उनमें से एक नाम हम वो रखेंगे। तो अब हमारे पास तीन नाम तो आएंगे हैं, तो अभी नेक्स्ट टाइम जब जसकीरत भाई आएंगे तब तक इसका कोई ना कोई नाम रखते जाएगा, अदरवाइज इसको मीमी मीमी कह के बुलाएंगे हम, है ना मीमी मीमी ड्रिल बिट। छोटा चेतन है ये। अच्छा जाओ गुंडा बॉय। तो हम आते हैं इस वीडियो के मेन पॉइंट पे, जो कि है हमारा ये प्यारा सा गोल्डन रिट्रीवर जैक। जैक की स्टोरी अगर आपको मैं बताऊं तो जैक बहुत टाइम पहले, ऑलमोस्ट आज इस टाइम 4.5 मंथ का होगा, और जैक जब 1 महीने का था तो इसको बहुत सारी बीमारी हो गई थी और ये बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था। तो ये डॉक्टर सरदाना के पास कोई इसको छोड़ गया था, और उसके बाद जो है जब ये बिल्कुल एब्सोल्यूटली फाइन हो गया था तब मैं इसको अपने पास ले आया था। मैंने सोचा था कि इसको मैं किसी अच्छी फैमिली में अडॉप्ट करवा दूंगा, और उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल था तो मैं कोई वीडियो तो डाल नहीं पाया, बट हमने जो है ऑफ द वीडियो हमने एक अच्छी फैमिली ढूंढ ली थी इसके लिए, जो कि पंजाब में थी। तो जैसे आपने इस बच्चे का जब इंट्रोडक्टिव व्लॉग देखा होगा तो उस टाइम जो है हमने इसको दे दिया था पंजाब, और जब ये पंजाब गया वहाँ पर बहुत अच्छी फैमिली थी, इससे बहुत खुश भी थे और बहुत मस्ती वगैरह कर रहे थे। बट क्या हुआ, जिनको हमने दिया था उनको चोट लग गई, वो गिर गए, और उसकी वजह से उनको ऑलमोस्ट 3 मंथ्स का बेड रेस्ट डॉक्टर ने बताया, जिसकी वजह से वो इसका ध्यान नहीं रख पा रहे थे। तो मैंने फिर क्या डिसीज़न लिया कि किसी और को देने के बजाय मैं वापस इसको बुलाता हूँ, हमारी ऑडियंस में से मैं इसके लिए एक अच्छी सी फैमिली ढूंढता हूँ जो कि आसपास ही हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, हिमाचल हो, बिल्कुल आसपास ही हो, ज़्यादा दूर ना हो, जहाँ ताकि मैं इससे जब मेरा मन करे मैं इससे मिल सकूँ। मुझे बहुत प्यारा लगता है गाइस ये बच्चा, और अभी इसका थोड़ा सा कोट कम है, अदरवाइज़ ये बहुत हेल्दी है। इसका कोट आ जाएगा तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा और बहुत ज़्यादा मस्ती करता है। इज़ एब्सोल्युटली फाइन, इज़ फुली वैक्सीनेटेड एंड डाइट भी बहुत अच्छी खासी खा लेता है। तो अगर आप में से कोई लगता है कि आप इसको अडॉप्ट कर सकते हैं, जिनके पास सबसे पहले मेरी एक ही डिमांड है कि उनके पास स्पेस हो, ठीक है ना, आपको अगर गोल्डन रिट्रीवर रखना है तो आपको स्पेस चाहिए गाइस, ठीक है, और आप इसकी अच्छी से देखभाल कर सकते हो, उसकी आप खर्चा उठा सकते हो, बिकॉज ब्रीड वाले डॉग्स का अच्छा खासा खर्चा होता है, इनकी वैक्सीनेशन होती है, इनकी डॉग फूड भी होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और अगर आप ये चीज़ें कर सकते हो तो आपको क्या करना है, आपको जो है मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो करना है, पुलकित वैम के नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। उसके बाद जो है आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट में बताना है कि आप इस डॉग को अडॉप्ट क्यों करना चाहते हैं, और साथ ही साथ अगर आप इस डॉग को अडॉप्ट करेंगे तो आप इसका कैसे देखभाल करेंगे, क्या मतलब कैसे आप रख सकते हैं। और उसके बाद एक इंसान को जो है मैं जब देखूंगा कि मेरी दोनों जगह वो मुझे फॉलो करता है, मेरा एक लॉयल फॉलोवर है और मेरे साथ वो कनेक्टेड है, तो उनमें से एक इंसान को हम शॉर्टलिस्ट, मतलब एक इंसान को जो है हम निकालेंगे जिसको हम इसको अडॉप्ट करवाएंगे। उसकी भी जो है मैं अच्छे से घर की फ़ोटोज़ देखूंगा, और अगर आसपास हुआ तो मैं खुद भी विज़िट करूंगा, इसको लेकर जाऊंगा और उनको अडॉप्ट करवाऊंगा। अगर ये बच्चा अडॉप्ट हो जाता है गाइस तो मतलब I'll be very happy, बिकॉज मैं इसको एक फॉरएवर होम देना चाहता हूँ। मैं खुद भी रख लेता बट यार मैं बड़ी ब्रीड नहीं रख सकता, बिकॉज मेरे पास भी जगह की कमी है, और ऑलरेडी पहले घर में 3 डॉग्स हैं, अगर ये चौथा डॉग आ गया तो बस हो गया, फिर तो राजू भाई को देखना, राजू भाई मेरा कुछ नहीं जाएगा, राजू भाई तंग हो जाएंगे। राजू भाई इसको बहुत प्यार करते हैं, ये जब रहता था पहले राजू भाई के साथ ही हर टाइम पूरा पीछे पीछे राजू भाई के, अब उसकी जगह इसने ले ली थी बीच में जब ये गया था, उसकी जगह इसने ले ली थी, हैं। तो गाइज अगर आपको इसको अडॉप्ट करना है सो मेक श्योर टू रश योर एंट्रीज, मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल एज मी ऑन यूट्यूब, और अपने दोस्तों से भी शेयर करवाएं, ताकि अगर आप नहीं इसको अडॉप्ट कर सकते तो आपके दोस्त अगर करना चाहते हैं तो वो कमेंट करें, एंड
मैं मे बी 2 या 3 डेज के अंदर अंदर इसका जो है फाइनल रिजल्ट निकाल दूंगा कि किस फैमिली को मैंने इसको अडॉप्ट करवाया। सो आज ही मैं इस ब्लॉग को डाल रहा हूँ और जल्दी से जो है आप कमेंट्स करना शुरू करें और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लें ताकि मैं देख सकूँ कि आप हमारे लॉयल फॉलोवर हैं या नहीं। एंड अब जो है करते हैं हम इस ब्लॉग का एंड। आई होप आपको ये छोटू सा ब्लॉग अच्छा लगा, छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो। मेन इस वीडियो का यही पर्पज था कि इस बच्चे को अडॉप्ट करवाया जाए। कोशिश मैं कर रहा हूँ आजकल डेली ब्लॉगिंग करने की, बट वो हो नहीं पाती, तो मैं 2 दिन की ब्लॉगिंग मिक्स करके एक ब्लॉग बनाकर डाल देता हूँ, है ना, है ना जैकी। अच्छा जैक, सबसे बड़ी बात है जैक हेलो भी करता है। हेलो हेलो, ओह माय गॉडनेस, हेलो हेलो जैकी, जैक इज अ गुड बॉय। जैक बहुत वेल ट्रेंड हो सकता है, गोल्डन रिट्रीवर इज अ लवली ब्रीड, बस इसको ग्रूमिंग अच्छे से चाहिए गाइस। तो सोच समझ के ही अगर आप अडॉप्ट करने की अपनी एंट्री दे दो, सोच समझ के ही कीजिएगा। मिलते हैं हम आप सभी को नेक्स्ट व्लॉग में।